हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द एक्सपेंस सेक्शन से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालाइज करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसका शीर्षक है प्लाज्मा थेरेपी हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इंडिया प्लान्स। मतलब जो प्लाज्मा थेरेपी, जो कि एक पर्सन जो कोरोना वायरस या COVID-19 से जो अफेक्टेड लोग हैं उनके जो ब्लड से जो एंटीबॉडी निकाल के जो थेरेपी होती है जिससे कि इम्यूनिटी डेवलप हो, उसी पे ये आर्टिकल है। और ये कैसे काम करते हैं और इसके बारे में इंडिया ने क्या सोचा है, उसी पे आर्टिकल है। तो आइए एनालाइज करते हैं इसमें क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, ये जो कन्वालिसेंट प्लाज्मा थेरेपी है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको अपना जो यूएस एफडीए है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मान्यता दी है जो क्लिनिकल ट्रायल, मतलब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए इसको मान्यता दी है या इसको अलाउ किया है। जो प्लाज्मा होती है, जो दोस्तों बताया गया है जैसे कि ये मैट्रिक्स होता है ब्लड का, जो जिसपे आपका दूसरे ब्लड सेल्स जो है आरबीसीज है या जो मिनरल्स है ब्लड का, वो फ्लोट करता है उसमें, उसी के जरिए उसकी मीडियम में प्लाज्मा में ही वो घुल मिल के आपका बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। तो इसमें जो प्लाज्मा में ही जो किसी भी बीमारी का जो इम्यूनिटी से जो एंटीबॉडीज डेवलप होती है उसी इस प्लाज्मा में ही रहती है। तो एंटीबॉडीज़ क्या है? एंटीबॉडीज़ आर द इमीडिएट वॉरियर्स, मतलब कोई भी बीमार होने से जो बॉडी एक इम्यून रिएक्शन करती है और उसकी उसी उसके वायरस या कोई भी बैक्टीरिया वायरस या कोई भी पैथोजन के अगेंस्ट में जो बॉडी जो एक उसको फाइट करने के लिए जो पदार्थ क्रिएट करती है उसको एंटीबॉडी कहते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया को मारने के लिए, वायरस को मारने के लिए बॉडी अपने तरफ से एक वॉरियर या एक केमिकल या एक उसको प्रोटेक्शन के लिए एक केमिकल डेवलप करता है, उसको बोला जाता है एंटीबॉडीज़। तो ये जो एंटीबॉडीज़ जब एक बार डेवलप होती है तो ब्लड में जो ब्लड सेल्स है उसमें मेमोरी सेल्स डेवलप होती है। मतलब हमारे जो बॉडी का एक मेमोरी सेल में जो सेल मेमोरी है उसमें ये जो वायरस आक्रांत हुआ है या बॉडी को ये वायरस इफेक्ट किया है तो उसके जो प्रतिरोधक जो एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए सेल में मेमोरी डेवलप होती है। तो ब्लड सेल में जो मेमोरी डेवलप हुआ तो उसको वो उस उससे क्या होता है, भविष्य में अगर ये वायरस अगर फिर से उस आदमी को इफेक्ट हुआ तो फिर से ब्लड सेल्स में जो मेमोरी सेल्स हैं उसमें उससे फिर से एंटीबॉडी डेवलप होगा और उस वायरस से बॉडी लड़ने के लिए सक्षम होगा। तो इस तरह से हमारे बॉडी में जो इननेट जो नेचर ने जो कुदरती जो क्षमता दी है एंटीबॉडी डेवलप करने का, उसी को यूज़ करके कन्वालिसेंट जो प्लाज्मा थेरेपी है उसको यूज़ करके जो बीमार कोई भी बीमार व्यक्ति या हालांकि जो COVID-19 या कोरोना वायरस की से आक्रांत व्यक्ति को इम्यूनिटी डेवलप होगा और इसे कहा जाएगा आपका पैसिव इम्यूनिटी। मतलब डायरेक्ट इम्यूनिटी नहीं है, मतलब इनडायरेक्ट पैसिव। तो जैसे कि अभी देखिए कुछ तो होते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, तो एक्टिव इम्यूनिटी होता है जो हम जो डायरेक्टली जो वैक्सीन देते हैं उससे क्या होता है हमारे बॉडी को, मतलब उस वैक्सीन में क्या होता है जो वायरस होता है या जो बीमारी होने का जो बैक्टीरिया वायरस होता है उसकी एक कमज़ोर रूप, मतलब उसको कमज़ोर फॉर्म में उसको बॉडी में डाल दिया जाता है जिससे कि बॉडी उसके विरुद्ध इम्यूनिटी डेवलप करे। तो ये तो हो गया डायरेक्ट, अगर ये तो जो प्लाज्मा थेरेपी है ये हो गया इनडायरेक्ट, मतलब बॉडी में इनडायरेक्टली आपका जो व्यक्ति एंटीबॉडी डेवलप किया है उसी को डाल दिया जाता है। और ये जो पैसिव इम्यूनिटी की बात कर रहा है जो कन्वालिसेंट प्लाज्मा थेरेपी में, ये आपका पहले आपका जो घोड़े में जो डिप्थीरिया की जो एंटीबॉडी जो कि जो भी मतलब हॉर्सेस में या घोड़े में जो जब डिप्थीरिया इफेक्ट करती थी तो घोड़े में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती थी उसके विरुद्ध, तो उसी को मानव शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता था। उससे क्या होता था, लोगों में पैसिव इम्यूनिटी डेवलप होती थी। तो इसी तरह से जो कोरोना वायरस की जो प्लाज्मा थेरेपी है इसी तरह काम करेगा, ये कहना है राइटर का। देखिए दोस्तों, अभी गाइडेंस फिजियोलॉजी जो बुक है, वर्ल्ड फेमस जो फिजियोलॉजी का बुक है गाइडेंस टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, वो क्या बोलता है कि जो टेम्पररी इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है एक आदमी पे अगर उसके बॉडी में अगर टी सेल्स, मतलब एक्टिवेटेड टी सेल्स डाल दिया जाए कोई भी जानवर की बॉडी से या कोई भी मनुष्य की बॉडी से, तो ये जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो 2 से 3 हफ्ते तक डेवलप हो जाती है अगर कोई भी बीमार
आदमी से अगर उसका टी सेल्स ब्लड से अगर टी सेल्स उस बीमार आदमी के शरीर में डाल दिया जाए तो उसका जो एंटीबॉडी डेवलप होगा उससे वो 2-3 हफ्ते के लिए उसको कोई जो बीमारी से आक्रांत हुआ था जो आदमी और रिकवर कर गया उसकी एंटीबॉडी से उसको भी सुरक्षा मिलेगी इस बीमारी से। और जो एक्टिवेटेड टी सेल जो थेरेपी है ये अगर मनुष्य से लिया गया तो वो 2-3 हफ्ते के लिए प्रिवेंशन करता है, और अगर जानवर से लिया गया तो इस कुछ घंटे के लिए प्रिवेंशन करती है। तो इसको कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी, मतलब किसी और से लिया गया इम्यूनिटी। तो टी सेल्स क्या है? तो टी सेल्स आर द ब्लड सेल्स, जो मतलब ब्लड सेल्स में जो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए जो सेल्स जो जो मेमोरी सेल्स या जो सेल्स एंटीबॉडी डेवलप करते हैं उसको टी सेल्स कहा जाता है। तो ये इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए मानव शरीर में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी सवाल आता है दोस्तों कि भारत क्या इस थेरेपी को कैसे यूज़ करेगा या क्या सोच रही है इस थेरेपी के बारे में। तो भारत से सोचा है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है जो कि एपेक्स बॉडी है इंडियन मेडिकल रिसर्च में भारत में, उसने कहा है जो ये जो प्लाज्मा थेरेपी है या कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है वो दिया जाएगा एकदम, जो कि सीरियस पेशेंट्स में दिया जाएगा, मतलब जो पेशेंट्स वेंटिलेटर सपोर्ट में हैं जो या कि जो बीमार के एडवांस स्टेज में हैं तो उन्हीं में ये ट्रायल किया जाएगा। हालांकि जो बाहर में ये थेरेपी कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहा है, तो फिलहाल हम सब पेशेंट्स को सब पेशेंट्स में ये ट्रायल नहीं करेंगे बल्कि जो पेशेंट सीरियस है उन्हीं पे किया जाएगा, ये कहना है ICMR का। हालांकि इस थेरेपी में जो केरला की सरकार है उसने कुछ अंदेशा या कुछ संकोच प्रकट किया है, क्योंकि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग जो किट है जिससे कि ब्लड में कितनी एंटीबॉडी है उसकी डिटेक्शन का जो टेस्टिंग है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है और हमें जर्मनी से मंगवाना पड़ेगा। तो जो ट्रांसफ्यूजन जो प्रोसेस है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि इसको सिर्फ हमें ब्लड से प्लाज्मा को सेपरेट करना होता है और उसको ट्रांसफ्यूज करना होता है, मतलब उसको मतलब ट्रांसफ़र करना होता है जो आदमी बीमार है। तो उससे वो ब्लड से अगर प्लाज्मा सेपरेट हो गई और उसको अगर ट्रांसफ़र कर दिया एक बीमार आदमी में तो एंटीबॉडी चला जाएगा। तो प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन मेन जो कॉम्प्लिकेशन है वो टेस्टिंग किट की है और वो उसको हमें भारत सरकार को मंगवाना पड़ेगा अभी हाल फिलहाल में। अभी दोस्तों सवाल हो सकता है कि हमारे देश में तो इसकी रिसर्च हो रही है तो दूसरे देश में इस थेरेपी की क्या पोजीशन है। अभी देखिए US जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी है उसने 8 तारीख को कहा है कि वो गाइडेंस इशू करेगी अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की को इस या एडमिनिस्ट्रेटर को इस कॉन्वर्स इसकी इन्वेस्टिगेशन हेतु या इसकी थेरेपी हेतु, मतलब ये कितना कारगर है। हालांकि जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है FDA है US की, उसने अभी इसको अभी गवेषणा के रूप में ही रखा है, इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ में ही रखा है, उसको अभी पूरा मान्यता नहीं दिया है एज ए थेरेपी फॉर मतलब थेरेपी फॉर COVID-19 या कोरोना वायरस की। और पिछले महीने जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस US में जो मीटिंग हुई थी उसमें चाइनीज रिसर्चर्स ने कहा है कि उन्होंने 10 पेशेंट को पे ये कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया है और जो 10 लोगों में जो सिम्टम्स थी कोरोना वायरस की जैसे कि फीवर, कॉफ या जो सांस लेने में जो तकलीफ होती थी या जो चेस्ट पेन थी वो विलुप्त हो गई थी एक या दो वन टू तीन दिन के बाद, जो ये प्लाज्मा कॉन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी के बाद मतलब प्लाज्मा डालने के बाद। तो ये एक बहुत ही अच्छा अंदेशा है इस रिसर्च से। अभी जो 10 पेशेंट जो रिकवर किए हैं उनमें से जो ये CP या कॉन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी से पहले 3 को आपका मैकेनिकल वेंटिलेशन में रखा गया था और 3 को आपका नाक से आपका कैनुला से आपका ऑक्सीजन दिया जा रहा था और 2 को मतलब कॉन्वेंशनल आपका लो फ्लो मतलब कम मात्रा में नेसल मतलब नाक से ऑक्सीजन दिया जा रहा था। और जब CP या प्लाज्मा थेरेपी कॉन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी हुआ था तो 2 पेशेंट को जो मैकेनिकल वेंटिलेशन से निकाल के आपका नेजल मतलब मुंह से या नाक से आपका ऑक्सीजन देना पड़ा, मतलब वो रिकवर कर गए, मतलब कुछ हद तक रिकवर हुए और आपका आपका और 1 पेशेंट जो हाई फ्लो जो नेसल कैनुला था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो इसके मतलब काफ़ी अच्छा
अंदेशा आया है, मतलब इस ट्रीटमेंट के बाद जो सीरियस पेशेंट थे, तो इससे इस थेरेपी का बहुत ही अच्छा एक उम्मीद आती है हेल्थ साइंस का या विश्व के लोगों के लिए। तो और एक पेशेंट को जो कंटिन्यूस मतलब नेसल नाक से जो ऑक्सीजन दिया जा रहा था उसको कंटिन्यूस ऑक्सीजन देने से उसके बाद मतलब बीच बीच में ऑक्सीजन देना पड़ा, मतलब कंटिन्यूस से इंटरमिटेंट ऑक्सीजन देने पे नौबत आ गई, मतलब उसका ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट थी नाक से देने का उसको भी बहुत कम गया, मतलब प्लाज्मा थेरेपी के बाद उनकी जो बॉडी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम गई। तो सबसे बड़ा जो इस ट्रीटमेंट का जो अंदेशा है ये इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट या बॉडी में कोई बुरा असर नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा अंदेशा आ रहा है इस थेरेपी से। तो अभी एक प्रश्न आ सकता है, इससे पहले क्या कॉन्वालेसेंट जो प्लाज्मा थेरेपी CPT का ट्रायल किया गया था कि नहीं, मतलब इससे आगे मेडिकल साइंस में इसकी यूज़ हुआ था कि नहीं, तो ये जान लेते हैं हम लोग। तो इस सवाल का जवाब है, जो प्लाज्मा थेरेपी है इससे पहले भी यूज़ हुआ है और हु ने इसकी रिकमेंडेशन की थी, जो इबोला आउटब्रेक हुई थी अफ्रीका में उस समय भी जो कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी थी उसका यूज़ हुआ था। हालांकि जो इबोला वायरस है या EVD है उसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जो कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है था उससे काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आया था, एक जो स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट्स थे उन पर जो ये ट्रायल किया गया था तो उन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाई थी। तो इससे हमें काफ़ी अच्छा अंदेशा आता है या काफ़ी अच्छा संभावना होती है कि जो कोरोना वायरस से लड़ने पे भी ये प्लाज्मा थेरेपी कारगर हो सकती है। तो यद्यपि जो रिसर्च है ये तो मतलब उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इससे पहले जो ये इबोला वायरस में भी कारगर हुआ था या पहले भी कई इन्फेक्शन डिजीज़ में ये कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी इफेक्टिव हुई थी, तो इससे हु की अंदेशा है कि इससे मतलब जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी एक काफ़ी अच्छा मतलब ऑप्शन हो सकता है या काफ़ी अच्छा संभावना हो सकती है हमारा इस महामारी से लड़ने के लिए। तो ये था हमारा प्लाज्मा थेरेपी हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इंडिया प्लान्स की आर्टिकल का एनालिसिस। तो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।